जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना अधेरा धरा पे कहीं रह न जाए। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है विधुभूषण और आप देख रहे हैं दिनकर इंडिया लाइव। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली के साथ साथ जो छठ पर्व मनाते हैं उनको छठ पर्व की शुभकामनाएं और साथ में भैया दूज और गोवर्धन पूजा की भी शुभकामनाएं। हम जानते हैं ये त्योहारों का मौसम है और त्योहार चल रहे हैं। त्योहार चलते समय हमारे जो वेट लॉस करने वाले लोग हैं उनको सबसे बड़ी समस्या होती है। त्योहारों के समय में हमारे यहाँ ढेर सारे पकवान बनते हैं जिसमें ज्यादातर वो मीठे होते हैं और हाई कैलोरी के होते हैं। ऐसे में वेट कम करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है और कई लोगों के वेट बढ़ भी जाते हैं। तो हम जानते हैं त्योहार तो हमारे साल में एक बार आते हैं लेकिन शरीर हमारे साथ जीवन भर रहना है। इसलिए अगर त्योहार और शरीर दोनों में से हम कंपेरिजन करें तो शरीर ज्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन त्योहारों का महत्व भी हमारे लिए कम नहीं हो जाता क्योंकि त्योहार भी हमारे जीवन में के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम आइए आप कुछ ऐसी डाइट प्लान्स ऐसे डाइट टिप्स बताएंगे जिसमें आप त्योहार के अवसर पर भी सब कुछ खा पी कर भी अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, एनर्जेटिक रख सकते हैं और वेट लॉस भी आपका होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं बादाम। बादाम एक ऐसी चीज है जो कि हमारे शरीर के वजन को न सिर्फ नियंत्रित रखती है बल्कि हमारे वेट लॉस में भी काफी मददगार है। तो आप गिफ्ट में मिठाइयों के बजाय ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट में सबसे बेहतरीन होगा बादाम। अगर कहीं जाते भी हैं और वहाँ आपको खाने की चीजें अगर आप सामने आती हैं तो उसमें आप मिठाइयों और ड्राई फ्रूट्स में से आपको ड्राई फ्रूट का चयन करना चाहिए और ड्राई फ्रूट में आपको काजू के बजाय और किशमिश के बजाय बादाम और अखरोट को खाना चाहिए। दूसरे, अगर आप कहीं रिश्तेदार के पास जा रहे हैं जहां संभावना है कि आप जाने पे आपको वहां मिठाई या हाई कैलोरी का खाना खाना पड़ेगा तो आप घर से चलते समय अपने पेट को थोड़ा सा फाइबर से भर लेना चाहिए। फाइबर करता क्या है कि जब खाना खाने आधे घंटे घंटे पहले अगर फाइबर और पानी का सेवन कर लेते हैं तो जो बाद में आप कैलोरी लेते हैं वो एक्स्ट्रा कैलोरी शरीर में आपके ज्यादा फैट इकट्ठा नहीं कर पाती क्योंकि वो फाइबर और पानी के साथ आपके शरीर से बाहर निकल जाती है। इसीलिए खाने से पहले सलाद खाने की और पानी पीने की सलाह अक्सर डाइटिशियन देते हैं। तो अगर आप किसी रिश्तेदार के यहाँ दिवाली देने जा रहे हैं या कहीं ऐसे पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी में जाने से पहले आधा लीटर पानी पी लेना चाहिए और वो फाइबर के रूप में खीरे का पोर्शन या सेब वगैरह का हाफ पोर्शन उसे खा लेना चाहिए। आप चाहें तो लाइफ का फाइबर टेबलेट भी दो टेबलेट खाने से पहले ले सकते हैं और फाइबर टेबलेट अगर मान लीजिए आप खाने से पहले भूल गए तो पार्टी करके आते हैं तुरंत दो टेबलेट खा सकते हैं। और हर्बल लाइफ की अगर इस फाइबर टेबलेट के बारे आप नहीं जानते तो हमारी आई बटन में वीडियो होगी उसे आप देख लीजिएगा या फिर इंडेक्स की लगी होगी उसे आप देख लीजिएगा। तो खैर, आप इसे खा करके वहां पे जाएं और पार्टी में आप पहुंचे तो पार्टी में ढेर सारी चीजें होती हैं उनमें आप देख लें कि पहले कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मीठी नहीं है और जिनमें कैलोरीज कम है। कैलोरी जिसमें ज्यादा है किसमें कम है इसको हम ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि जिस चीज ज्यादा मीठा और ज्यादा फैट का इस्तेमाल किया गया वो चीजें ज्यादा कैलोरी वाली होंगी। जैसे खाने में क्या ध्यान रखते हैं, जैसे आपके पास अगर पनीर की बनी हुई सब्जी है तो उसमें आपको ग्रेवी के बजाय पनीर खाना है, सब्जी में से उस ग्रेवी के बजाय सब्जी का चयन ज्यादा करना है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है और मिठाई वगैरह का सेवन या तो न करें या सबसे लास्ट में करें या थोड़ा सा करें। अब दूसरा सवाल, आपको क्या मीठा नहीं खाना है? देखिए, मीठा एकदम नहीं खाना त्योहारों पर हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। आपको मीठा खाना पड़ सकता है, उसमें करना क्या होगा, आप अगर घर से खाना खा के घर से अगर आप अपने पेट को फ्रूट वगैरह से भर के निकले हैं या फिर सेब वगैरह से भर के निकले हैं तो आपका जब भूख नहीं लगी होती है तो आप मिठाई का थोड़ा सा टुकड़ा उठाते हैं लेकिन जब आपको भूख लगी होती है तो आप मिठाई के कई टुकड़े खा सकते हैं। इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकले कहा जाने पर आपको मिठाई खानी पड़ेगी आप जानते ही हैं तो आप घर से अपना पेट फ्रूट वगैरह से भर के निकले। जब आपका पेट भरा होगा तो आप ऑटोमेटिक जो आप एक बर्फी खाते हैं उसकी आधी बर्फी खाएंगे। दूसरा, अपने साथ पानी की बोतल रखें और टाइम टाइम पे पानी पीते रहें, इनमें कम से कम 5 लीटर पानी की पिए क्योंकि इस टाइम में जब त्योहारों के अवसर जब ज्यादा मीठा आप ज्यादा कैलोरी देते हैं तो उसको निकालने के लिए आपको ज्यादा पानी पीने की जरूरत होगी। अपने घरों की आसपास की सफाई में खुद जुट जाएं और काफी मेहनत से साफ सफाई करें, झाड़े लगाना, पुताई करना, घरों के सामान हटाना, इन सब चीजों में अपना ज्यादा से ज्यादा हाथ बटाएं। इससे क्या होगा, आप ज्यादा काम करेंगे तो एक्सरसाइज होगी और एक्सरसाइज से आप क्या होगा आपकी कैलोरी लॉस करेंगे। तो सबसे पहली चीज फ्रूट का इंटेक बढ़ाना है आपको, सलाद का इंटेक बढ़ाना है आपको, पानी बढ़ाना है आपको, आपको ज्यादा त्योहार में एक्टिव रहना है। और एक और काम कर सकते हैं आप, काम के अलावा जो शाम को जो पार्टी वगैरह होती है पार्टी में आप खाना खाने जाते हैं तो खाना खाने के साथ ही उस पार्टी में आप डांस जरूर करें, जमकर डांस करें, आपका जितना भी कैलोरी आपने खाई है वो सारी कैलोरी खत्म हो जाए। देखिए, हमारे इंडियन ट्रेडिशन में जो भी सिस्टम बना हुआ है वो सोच समझ के बना हुआ है। हमारे यहाँ जो पार्टियों में शादियों में ब्याहों में डांस करने की परंपरा है
वो इसी कारण से है कि चूंकि उसमें आप शादी में ब्याह में वो पार्टी में ज्यादा मात्रा में खाना खाते हैं, ज्यादा कैलोरी खा लेते हैं, तो उसको निकालने के लिए डांस करना जरूरी है। और होता क्या है, अपना हम जाते हैं और जम के मिठाई दबा देते हैं, दबाने के बाद आराम से चेयर पर बैठ जाते हैं। दिक्कत यहाँ है, या तो हम खाना ही कम खाएं, या खाएं तो उसको पचाएं, या काम करके, या नाच के, या फिर खेल के। ये आपके ऊपर है कि आप इन छुट्टियों को कैसे मनाना चाहते हैं। आप चाहें तो एक और टिप्स बता सकते हैं, दिवाली की सुबह कोई पिकनिक आयोजन कर सकते हैं, जंगल में पिकनिक मनाने चले जाएं, पहाड़ों पर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, जहां पे जाएं और आप पैदल चलें और काफी वहां पे कबड्डी या छोटा मोटा बैडमिंटन, इस तरह की कोई खेल कूद की एक्टिविटी करें। त्योहारों पे खाइए, मिठाई खाइए, पकवान खाइए, एंजॉय करिए, लेकिन साथ में काम करिए, डांस करिए, व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, उछलिए, कूदिए और खुशी मनाइए और आराम से दिवाली पर वेट लॉस करिए। एक रेसिपी में बताऊंगा आपको, लगे कि ड्राई फ्रूट का लड्डू, ड्राई फ्रूट का लड्डू अगर आप खाते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, जिसको खाने से आपको भूख काफी देर तक नहीं लगती और जिससे आपके मसल्स बनते हैं और वेट का लॉस होता है। बताते हैं इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने मेरे आपके चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर कर दें। देखिए, ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए 200 ग्राम बादाम और लगभग 50 ग्राम अखरोट, लगभग 50 ग्राम गोंद, थोड़ी सी पीली वाली चीनी या खांड या गुड़, इसी घी में आप अगर ड्राई फ्रूट्स हैं उसको आपने फ्राई करना है। मिक्सी में उसका एक बुरादा सा बनाना है, बुरादा बनाने के बाद आप गुड़ के साथ मिक्स करके या खांड के साथ मिक्स करके उसके आप लड्डू बना दें छोटा छोटा। इस लड्डू को आप अगर त्योहारों के अवसर पर अपने दोस्तों को खिलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को खिलाते हैं तो उन्हें काफी अच्छा भी लगेगा और काफी हेल्दी चीज भी मिलेगी। और इसे अगर आप सुबह ही खा लेते हैं अगर इसको, तो आपको काफी टाइम तक भूख नहीं लगेगी, एनर्जी बनी रहेगी, साथ में प्रोटीन मिलेगा और आपको भूख देर से लगेगा और आपका वेट लॉस भी करेगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।